औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क़ायदे मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यारजंग की 80th बरसी है। क़ायदे मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यारजंग की शख्सियत कोई तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपकी पैदाइश 3 फरवरी 1905 में हुई थी और आपका इंतकाल 25 जून 1944 में हुआ था। क़ायदे मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यारजंग से सारे इंडिया और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स के मुसलमान आपसे बहुत अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ थे। आपने मिल्लत इस्लामिया के मुसलमानों को विखार के लिए अपने लड़ना सिखाया और उनके विखार के लिए आपने जिद्दोजहद की, और इसी जिद्दोजहद के लिए आपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया। आज इस बरसी के मौके पर सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सैयद अहमद पाशा खादरी साहब मजलिस मोहतमद उमूमी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ मजलिस के अराकीन असेंबली, अराकीन क़ानून साज काउंसिल, अराकीन बल्दिया यहाँ पर मशीराबाद हज़रत बंदगी मियाँ शाह कासिम मुश्तहीदी ग्रोह के दायरे में आकर गुंबद क़ायद मिल्लत के पास उन्होंने क़ायद मिल्लत को चादर गुल पेश की। क़ायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यारजंग का यही पैगाम था कि हर मुसलमान कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद रहकर दीन की तालीम हासिल करते हुए सियासत में आगे बढ़े। आज अगर हमको इस दौर में क़ायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यारजंग को अगर खिराज अकीदत पेश करना है तो हम सब का काम यही है कि मिल्लत में अमन पैदा करें और दीन की तालीम करते हुए मिल्लत की खिदमत करें। शुक्रिया।